हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, जिसका इंतज़ार था वो समय अब आ गया है, वो घड़ी आ गई है। दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की लेटेस्ट वैकेंसी आ चुकी है। रेलवे ने अपने जो समय का जो वादा किया था, जो इस मंथ में आपको ये चीज़ की वैकेंसी निकालेंगे, तो उसको पूरा किया है। हाँ, सीट के लेके फिर इस बार थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि इस बार फिर से एनटीपीसी में, जहाँ पिछले भर्ती में 35,000 यानी कि 35,000 पद उसमें थे, तो उसको देखते हुए इस बार बस सिर्फ 10,884 पद आए हैं। तो ये थोड़ा छात्रों के साथ थोड़ा दिक्कत, मुश्किल का सामना छात्रों को करना पड़ेगा, क्योंकि कम सीट है। तो कितनी तैयारी करेंगे जो इनमें इतने सीट में उनका सिलेक्शन होगा, फिर कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ कोचिंग वाले आकर अपना कोर्स बेच के अपना फ़ायदा निकाल लेंगे। लेकिन जहाँ तक छात्रों का बात है, जिनकी तैयारी हायर लेवल की रहेगी उनको ही बस कोई ना कोई पद मिलेगा। बाद बाकी जो मीडियम तैयारी वाले छात्र हैं, उनको अभी से भी समय है, तैयारी को थोड़ा जोर लगाएं और अपनी तैयारी को थोड़ा बढ़ाएं, क्योंकि 10,884 पद, आप लोग को याद होगा कि पिछली वैकेंसी 35,000 प्लस थी, लेकिन उसका कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं, जो कि कट ऑफ बहुत हाई कट ऑफ गया था। तो 10,884 पद में कितना कट ऑफ जाएगा आप लोग सोच सकते हैं। तो जो भी छात्र या छात्राएं, जो भी स्टूडेंट ये एनटीपीसी का इंतजार कर रहे हैं, वैकेंसी आ गई है, पद कम है, तो आप लोग तैयारी करें और अच्छी से तैयारी करें और इसमें सिलेक्शन लें। सिलेक्शन ले लेंगे तो बहुत अच्छा मौका है। लेवल 5 लेवल 6 की यह सब जॉब है, तो आपको निश्चित ही एक अच्छी अच्छा जॉब देखने को आपको मिलेगा। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि इंटर लेवल वालों के लिए जो है उनके लिए कितना पद है, और जो ग्रेजुएशन ग्रेजुएट लेवल है उनका कितना पद है। बारी बारी से देखते हैं और बात करते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए, कैसे। अभी जहाँ तक मुझे उम्मीद था कि इस बार कम से कम, हमेशा से यह रहा है कि ALP की वैकेंसी आती है तो उससे ज़्यादा या उसके आसपास कम से कम इसकी वैकेंसी आनी चाहिए थी। मुझे उम्मीद था कि कम से कम 25,000 प्लस NTPC में पोस्ट आने चाहिए थे, जो कि देखने को नहीं मिल रहे हैं। 10,884 पद बहुत ही कम पद होता है, लेकिन फिर भी जिन छात्रों का सिलेक्शन होगा, तो जिनकी तैयारी अच्छी होगी उनका सिलेक्शन होगा ही होगा। अब देखना यह है कि आने वाले समय में रेलवे फिर इसमें वैकेंसी बढ़ाती है तो बहुत अच्छा बात है। तो आइए बारी बारी से पहले देखते हैं कि किस पोस्ट में कितना सीट है, फिर बात करते हैं। तो देख सकते हैं कि यह भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड का यह लेटर है, जो कि 24/7/2024 को पब्लिश हुआ है, न्यू दिल्ली 24/7/2024। इसमें पोस्ट देखते हैं, सीधा सीधी बात करते हैं पोस्ट पे। इसमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट यानी कि इंटर लेवल वाले भी इसमें फिर आएंगे और ग्रेजुएट लेवल वाले आएंगे। नॉन टेक्निकल पोस्ट पॉपुलर कैटेगरी NTPC यह है। तो इसमें देख सकते हैं कि जो इंटर लेवल वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बस आपको, जो नॉन ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएशन पर नहीं है, उसमें आपको 3,404 पोस्ट है, जो कि अंडर ग्रेजुएट यानी कि इंटर वाले जो छात्र हैं, जो इंटरमीडिएट कैंडिडेट हैं, उनके लिए 3,404 पोस्ट यह उनको मिलेगा, और उनको मतलब ग्रेजुएट लेवल वाले पोस्ट में उनको नहीं मौका मिलेगा। तो देख सकते हैं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 300 नॉन सेफ्टी पोस्ट है ये सब, और ये आपको 361 पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको टाइपिंग होना जरूरी है, आप अगर टाइपिंग पास करेंगे तभी आपको अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट मिलेगा। उसके बाद देख सकते हैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये भी नॉन सेफ्टी है, और इसमें आपको अच्छा खासा पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है, 1985 पोस्ट इसमें इस बार अप्रूव है। फिर बात करते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, यह भी इंटर लेवल नॉन सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है, 990 पद इसमें दिया गया है। आगे बात करेंगे तो ट्रेंस क्लर्क है, यह भी इंटर लेवल नॉन सेफ्टी पोस्ट है, और इसमें मात्र और सिर्फ 68 यानी 68 पद इसमें है। तो टोटल नॉन टेक्निकल जो मतलब जो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी इंटर लेवल है, इसमें सिर्फ 3,404 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, और इसी में आपका इंटर लेवल वालों का सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल वालों का, देख सकते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर सेफ्टी कैटेगरी में यह आता है, स्टेशन मास्टर और GTM यानी गुड्स ट्रेन मैनेजर। तो देख सकते हैं कि बहुत ही कम पोस्ट आपको स्टेशन मास्टर में देखने को मिल रहा है, 963 पोस्ट है स्टेशन मास्टर का, और गुड्स ट्रेन मैनेजर का सिर्फ 2684 पोस्ट आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो निश्चित ही यह छात्रों को थोड़ा यहाँ पर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कम पद है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगा। पिछली बार भी NTPC में देख सकते हैं हाई कट ऑफ गया था, तो इस बार तो पद उसका एक तिहाई है, तो मुश्किल तो होगा, लेकिन अपनी तैयारी को बढ़ाएं। उसके बाद देखते हैं चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर नॉन सेफ्टी ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, 1737 पद इसमें अप्रूव्ड हुआ है।
जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये भी टाइपिंग पोस्ट है और नॉन सेफ्टी कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल, 1371 पोस्ट इसमें है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसमें देख सकते हैं, जिसमें भी टाइपिस्ट है सब में टाइपिंग आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो इसमें आपको 725 पोस्ट आपको अप्रूव हुआ है। तो दोनों मिलाकर के वही 10,884 पोस्ट है, इसमें अंडर ग्रेजुएट यानी इंटर लेवल वालों के लिए 3404 पोस्ट है और ग्रेजुएट कंप्लीट वालों को 7479 जो कि लगभग 7500 के करीब में है। तो निश्चित रूप से जो भी छात्र जो एनटीपीसी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक तरह से यह अच्छा मौका है, लेकिन चूंकि सीट कम है इसको देखते हुए ध्यान में रखते हुए अब आप लोग तैयारी को और गति देंगे और देखते हैं आगे क्या होता है, सीट इंक्रीज होता है कि नहीं होता है। लेकिन फिलहाल रेलवे ने जो बोला था वो किया है, अपना वैकेंसी दिया है, हम सीट कम दिया है, ये थोड़ी है जो मुश्किल का बात है, लेकिन जो टेंशन दे रहा है छात्रों को, लेकिन कम से कम इसमें 25,000 के प्लस सीट आना चाहिए था एनटीपीसी में। तो जो भी छात्र एनटीपीसी का इंतजार कर रहे थे, जो गार्ड स्टेशन मास्टर बनना चाहते थे, उसके बाद आप टीटी बनना चाहते हैं, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप मेहनत करें। आपके तो इसी में जितने ये पोस्ट हैं किसी ना किसी छात्र का इसमें सिलेक्शन होगा। और रेलवे में जहाँ तक बात है तो धांधली इसमें न के बराबर होती है, बिल्कुल आप न मान के चलिए, इसमें नहीं होती है कोई सेटिंग। अगर बोलता है कि सेटिंग से जॉब दिलाएंगे तो वो सब फर्जीवाड़ा है, तो उसके पीछे चक्कर में आप लोग न रहे और अपनी तैयारी को गति दे। बात करेंगे जो कौन सा बोर्ड अच्छा है, किस में क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य था कि आप लोग देख लीजिए, पद कम है, सीट कम है, तो आप लोग अपनी तैयारी को बढ़ाएं और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपको एक ही पद तो चाहिए, उसके लिए जान लगा दे। और मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।